इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश तो जिथों दे विजयनगर जिले च देर रात दो यात्री ट्रेनां दी आपस च टक्कर हो गई। जी हाँ, इस टक्कर च 11 लोगों की मौत हो गई है अते 54 व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गए ने। इस तो इलावा 54 विचों 18 व्यक्तियों की हालत अत गंभीर दसी जा रही है, जिन्हां नूं के नज़दीकी हस्पताल च भर्ती करवाया गया। यह हादसा उदों वापरिया जदों एक यात्री ट्रेन दीआं 3 बोगियां रेल की पटड़ी तो उतर गईआं अते पिछे तो आ रही दूजी ट्रेन उस नाल टकरा गई, जिस कारण भयानक हादसा वापर गया। कहा जा रहा है कि रेल दे ड्राइवर ने सिग्नल मिस कर दिता सी अते ड्राइवर ने लाल सिग्नल पार कर लिया। यह उही ट्रेन सी जो कि पिछे तो आ रही सी, जबकि सामने वाली लोकल ट्रेन बेहद धीमी गति नाल आ रही सी, पर दोवां दी आपस च टक्कर हो गई। जानकारी मुताबिक विशाखा तो रायगढ़ जा रही रेलगड्डी दे डब्बे कोठा वासला अलमंडा कंतकपल्ली कोल पटड़ी तो उतर गए। उधर हादसे तो बाद मौके ते पहुंचे अधिकारी राहत अते बचाव कार्यां च जुट गए। उधर घटना की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम फंड चो मृतकों के वारसों लई 2-2 लाख रुपए जबकि जख्मियों नूं 50-50 हज़ार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पीएमओ दफ्तर ने एक ट्वीट किया अते लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नाल गल की अते अलमांडा अते कंतकपल्ली सैक्शन के विचकार रेलगड्डी के पटड़ी तो उतरन तो बाद स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रगट की है अते उन्होंने जल्दी ठीक होने की चिंता जाहिर की। उन्होंने जख्मियों के जल्द सेहत याबी लिए प्रार्थना भी की। जी हाँ, एक बार फिर तो दस दिए कि आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले च देर रात दो यात्री ट्रेनों की भयानक टक्कर हो गई, जिस च घट्टो घट 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 54 होर गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हों नजदीकी हस्पताल च भर्ती करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।